चार पाँच दिन से भर्ती थी, भर्ती करते 79 ऑक्सीजन था और उसके बाद फिर अचानक से कोई सुनता ही नहीं था, डॉक्टर कोई भी नहीं सुन रहा था और एमडीसी वाला लगा है और एमडीसी लगने का ऐसी हालत हो गई है। कब एमडीसी में लगाया था? अभी लगा आधे घंटे पहले जी, आधे घंटे पहले लगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसी कंडीशन हो गई है। उसके पहले आपने मुलाकात की थी उनसे? किन से? आपके जो भाई साहब थे। हाँ मैं मिला था उनसे, मिला था। हाँ बच्चे सामान सब कुछ ठीक था, 35% ऑक्सीजन, सुबह से दिक्कत हो रही, तबीयत खराब उनको। मतलब अभी आप इंजेक्शन लगाया और उसके बाद? हाँ उसके बाद ये ऐसा हालत बिगड़ गई बहुत ज़्यादा और बिगड़ गई हालत। क्या कहना चाहते हैं, क्या रेमडेसिविर में कोई? वो तो रेमडेसिविर के बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते, क्या है क्या नहीं, उनके लगने के बाद ही ऐसा हुआ है। और कोई डॉक्टर सुन भी लिया था बहुत दिन से इलाज शहर में, आप एडमिट कर रहे हैं, किसी डॉक्टर ने नहीं जगा है, सब कहते कि इंजेक्शन ले रहे हैं, ये सारी सुविधा है, कोई सुविधा नहीं, थूकने तक के लिए डिब्बा मांगना पड़ रहा है, इतना गंदे हॉस्पिटल है, एक सफाई कर्मचारी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मरीज ठीक होकर भी आ रहा है तो और यहाँ से तबीयत खराब हो रही है, कोई मतलब नहीं है। टेस्ट अभी लगाया भैया, बोलना बंद कर दिया मेरा, मतलब जब कलेक्टर साइन करेगी तब इल्लो रेमडी इंजेक्शन ठोसेंगे, जब तक इंसान मर जाए। अजय भाईया के नाम से एम्पायर टॉकी सर्किट हाउस। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।